हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम सुरजीत है और इस वीडियो में हम ये वाली फॉस्फिन की चर्चा करेंगे। फॉस्फिन की प्रेपरेशन PH3, इसकी प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ करेंगे। देन PCl3 एंड PCl5, इनकी प्रेपरेशन और प्रॉपर्टीज़ करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये सारी चीज़ें हमने करनी है और इसका स्ट्रक्चर भी देखना है आप लोगों ने। तो चर्चा स्टार्ट करने से पहले जो मैंने आपको पिछली वीडियो में सवाल पूछा था वो ये था कि जैसे मैं पूछ रहा था कि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा किसका है, PH3 का है कि PH3 का है या फिर और NH3। तो आपने बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर देखा था उधर, यही देखा था ना, फॉस्फीन आरसीन आरसीन अमोनिया। स्टीबिन और बिस्म्यूथिन। तो देखिए एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, समझने की क्या कोशिश करिए कि देखिए इधर ये है फॉस्फिन। फॉस्फिन का क्या है, सबसे लोएस्ट लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। फॉस्फिन का क्या है, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होने का ये मतलब है कि जैसे आप सोचते हो अमोनिया भी गैस है, अमोनिया भी गैस है, अमोनिया भी गैस है, ये भी गैस होती है, ये भी गैस होती है, फॉस्फिन गैस। बट देखिए इसका जो है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सबसे लोएस्ट है, मतलब अमोनिया से कम है, अमोनिया से कम है बॉइलिंग पॉइंट इसका, अमोनिया से कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब बस यही हुआ कि आपको इसको अगर आपको वो करना पड़ेगा, जैसे बॉयल करना पड़ेगा, बॉयल मतलब लिक्विड, लिक्विड होगा, लिक्विड से गैस की तरफ जाना पड़ेगा, तो इसका ये क्या होगा, बहुत ही लोएस्ट होगा, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। मतलब जैसे समझने की कोशिश करिए, अगर अमोनिया का होगा, ऐसे हाइपोथेटिकल है, 273 होगा, 273 केल्विन होगा, तो इसको कितना हो जाएगा, इसका लोएस्ट होगा ना, तो मतलब 250 केल्विन तक होगा, मतलब कम है। ये पहले की ही गैस बन चुकी है, फॉस्फिन जो है वो पहले की ही गैस बन चुकी है, बट जो आपकी अमोनिया है वो बाद में बनेगी गैस। मतलब लिक्विड से बॉइलिंग पॉइंट होता ही क्या है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना। तो मतलब देखिए फॉस्फिन का बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब क्या है, वो पहले से ही गैस बन चुकी है। तो अगर आपका जो रूम टेम्परेचर होगा, जो रूम टेम्परेचर होगा उधर, वो गैस ही होगी, बिकॉज वो पहले से ही गैस बन चुकी है। जैसे नाइट्रोजन है, उसका बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको बताया था कितना था, वही 70 70, पता नहीं 80 केल्विन के करीब इतना था, हाइपोथेटिकल था ठीक है ना, अभी मेरे को याद भूल गया पूरा एग्जैक्ट कितना है वो मेरे को पता नहीं है, बट ऐसे बता रहा हूँ 70 केल्विन और 80 केल्विन था वो। देखिए वो पहले से ही गैस बन चुकी है, पहले वो लिक्विड थी, बट कौन से 70 या 80 केल्विन पे, बट उसके बाद क्या हो गया, जो आपको अभी इधर दिख रही है एटमॉस्फेयर में दिख रही है वो क्या गैशियस फॉर्म में है, बिकॉज वो पहले की ही गैस बन चुकी है। वैसी ही कहानी इधर फॉस्फिन की है, वो पहले की ही गैस है, वो पहले की ही गैस बन चुकी है, बिकॉज उसका लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, तो मतलब वो बहुत पहले की गैस बन चुकी है, बहुत पहले की। अगर वो गैस बन चुकी है तो रूम टेम्परेचर में वो क्या होगा, रूम टेम्परेचर में वो क्या होगी गैस, रूम टेम्परेचर आपका कितना होता है, 273 केल्विन, 273 केल्विन आपका रूम टेम्परेचर होता है। तो अभी देखिए 273 मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस, ओके, 273 केल्विन कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, और आपका ये वाली चीज़ हो गई। तो बस ये मेरा कहने का सेंस यही है कि फॉस्फिन का क्या है, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। तो अगर आपको कोई बोलेगा रूम टेम्परेचर में वो किस फॉर्म में है, रूम टेम्परेचर में वो गैशियस फॉर्म में है, बिकॉज वो पहले से ही गैस बन चुकी है। तो अभी देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन में वो है इसकी प्रेपरेशन, आपको इस गैस को बनाना कैसे है। देखिए इधर है क्या, PH3 है। देखिए जैसे एक चीज़ अभी समझने की कोशिश करिए, जैसे जो जो चीज़ मैं समझाता हूँ भाई, समझाने के लिए जो मैं चीज़ समझाता हूँ वो आपको टेस्ट में थोड़ी ना लिखनी होती है,
वो आपको टेस्ट में नहीं लिखनी होती है। क्यों नहीं लिखनी होती है? अगर देखिए भाई, जो मैं समझा रहा हूँ, समझाने के लिए तो आपको मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं, बट इसका ये मतलब थोड़ी ना वो सारी की सारी आपने एग्ज़ाम में लिख के आ जानी है, वो थोड़ी ना लिखनी होती है, वो समझाने के लिए होती है। आपको क्या लिखना होता है टेस्ट में? टेस्ट में आपको वही चीज़ें लिखनी होती हैं जो कि क्या, जो मैंने नोट्स में लिखी होती हैं, जो इधर लिखी होती हैं, जो मैं समझाते टाइम जो चीज़ें यूज़ करता हूँ, तो वो आपको टेस्ट में नहीं लिखनी है। फिर ऐसे गलत इंप्रेशन पड़ता है, वैसे पड़ता तो है, अगर आपको लेंथ बढ़ानी हो सवाल की तब आप लिख सकते हो, बट ऐसे इधर ऐसे नहीं लिखते उसको, ठीक है ना। तो आप जितना लिखा होगा वो भी सफिशिएंट होता है, वो अच्छा लिखा होता है, ठीक है ना, जो नोट्स वगैरह में होगा वो अच्छा होगा, तो वो आप नोट कर सकते हो। तो अभी देखिए इसकी हम प्रेपरेशन करते हैं। प्रेपरेशन प्रेपरेशन करने से पहले देखिए है क्या, ये PH3 है। अभी देखिए स्टूडेंट्स को क्या होता है, डिफ़िकल्टी आती है रिएक्शंस लर्न करने में। जब भी क्या होता है, रिएक्शंस बहुत सारी हो जाती हैं और स्टूडेंट्स क्या करता है, बहुत ही दुखी हो जाता है इतनी सारी रिएक्शंस तो देखिए। तो बेटा आपको रिएक्शंस को समझने के थोड़ा क्या करना है, थोड़ा एनालाइज करना है, अपने दिमाग को अपनी दिव्य दृष्टि खोलनी है। दिव्य दृष्टि जब खोलोगे देन आपको अच्छे से चीज़ पता लग जाएगी। जैसे देखिए भाई, बनाना है इस चीज़ को, बनाना है PH3, तो इसमें लगा क्या क्या हुआ है, एक फॉस्फोरस लगा हुआ है ना। देखो चीज़ समझने की कोशिश करिए, रिएक्शंस लर्न कैसे होती हैं। एक फॉस्फोरस लगा हुआ है और क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है ना। ये दो चीज़ें लगी हुई हैं, एक फॉस्फोरस लगा हुआ है और एक दो, ये दो चीज़ें लगी हुई हैं, फॉस्फोरस है और हाइड्रोजन है। यही चीज़ें हैं कि नहीं हैं भाई, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि यही चीज़ें हैं कि नहीं हैं। एक फॉस्फोरस लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। PH3 क्या है, गैस है, फॉस्फिन गैस है, तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक फॉस्फोरस है और एक हाइड्रोजन है। तो अभी देखिए दो चीज़ें हैं, तो आपको अगर इसको बनाना पड़ेगा तो कुछ आपको ऐसे कंपाउंड्स लेने पड़ेंगे जिसमें पहले से क्या है, फॉस्फोरस है और पहले से क्या है, हाइड्रोजन है। तो बस ये वाली चीज़ें आपको ऐसे याद करनी है कि भाई आपको क्या क्या चीज़ें लेनी पड़ेंगी। आपको एक एक वो चीज़ चाहिए जिसमें फॉस्फोरस हो और एक ऐसी चीज़ चाहिए जिसमें हाइड्रोजन हो, और इन दोनों की क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी, तो आपको PH3 मिल सकता है, ऐसे मिल सकता है। देखिए तब भी ऐसे ऐसे, ये मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है ना, हाइपोथेटिकल। अभी देखिए फॉस्फोरस तो आपको बताया स्टेबल है नहीं, ये किस फॉर्म में स्टेबल होता है, P4 की फॉर्म में, और एच भी कोई स्टेबल होता नहीं, या तो H2 होगा, H2O होगा, तो ऐसी ऐसी फॉर्म्स होती हैं, या तो HCl होगा। तो देखिए आपको सिर्फ अपने दिमाग में सोचना है, दिव्य दृष्टि अपनी खोलनी है और दिमाग में सोचना है कि ये क्या चीज़ है, मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ वो चीज़ है तो है क्या, ठीक है ना। तो अभी ये चीज़ समझ आ गई, तो अभी देखिए इसकी प्रेपरेशन करते हैं। देखिए अगर आप थोड़े आपने रिएक्शन को टाइम दिया होगा तब वो चीज़ आप आसानी से कर पाओगे, बट अगर आप लोगों ने रिएक्शन को समय नहीं दिया होगा देन वो चीज़ आप लोग नहीं कर पाओगे। तो भाई देखिए इधर रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है आपने लेना है कैल्शियम फोस्फाइड। कैल्शियम फोस्फाइड उसको फॉर्मूला होता है Ca3P2 और इसको डाल दिया आपने पानी में डाल दिया, तो इससे क्या बन जाता है, CaOH2 और इधर क्या बन जाता है, PH3। बैलेंस मैं इधर नहीं करूँगा, तो ये वाली रिएक्शन हो गई। देखिए बनाना फॉस्फिन PH3 बन चुका है आपका। तो अभी देखिए ये pH, इसी की ज़रूरत थी आपको, इसकी प्रेपरेशन करनी थी। आप केमिस्ट्री में इसकी ऐसे ही करते हो भाई, केमिस्ट्री में यही चीज़ें पढ़ते हो, प्रेपरेशन और प्रॉपर्टीज़। तो देखिए ये चीज़ बन गई, तो देखिए ये वाला एक कंपाउंड है। मैंने क्या बोला, जब भी आपको जो चीज़ बनानी पड़ेगी उसमें देखना है वो किस किस चीज़ से बनी हुई है। तो देखिए उसमें क्या था, फॉस्फोरस था, तो ये वाला आपने कैल्शियम का कंपाउंड ले लिया, इसको आप बोलते हो कैल्शियम फॉस्फाइड, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हो आप, कैल्शियम फॉस्फाइड। ये कैसे बनता है, जैसे Ca+2 है और फॉस्फोरस के ऊपर कितना होगा, -3 चार होगा, चार्ज होगा, तो ये इसके चरणों में तो क्या बन जाएगा, Ca3P2, तो ऐसे बन जाता है ये। तो अभी देखिए तो दूसरे में क्या है, पानी है, तो पानी जब इससे इसके साथ जुड़ेगा तो आपका क्या बन जाएगा, देखिए हाइड्रोजन है, पी है, तो इधर से मिल गया क्या, PH3 निकल गया और कैल्शियम बच गया और एक हाइड्रोजन यूज़ हो चुका है, तो इधर क्या OH बचा होगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया।
तो बस ऐसी रिएक्शन आपको याद करनी है भाई, ऐसे रिएक्शन याद करनी है ऐसे। फिर बाद में क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है बंदा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर जाता है। देखिए सिंपल सी कहानी है, इधर क्या लगा हुआ है, फॉस्फोरस लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो आपको लगता है ये दोनों जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या हो रही, केमिकल रिएक्शन हो रही है ना, केमिकल रिएक्शन हो रही है जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, पी और एच, तो फॉस्फिन गैस निकल गई। फॉस्फिन गैस जब निकल गई तो अब आपको पता है क्या पीछे क्या बचा, सी ए बचा, और इधर क्या होगा, ए एच तो यूज़ हो गया, एक ओ एच भी बचा होगा, तो इधर क्या बन गया, सी ए ओ एच 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और एक चीज़ आपको मैं आज बता देता हूँ, जब भी आप लोग केमिस्ट्री की रिएक्शंस करोगे तो उनके उनके जो चीज़ आपने लिखी होगी तो उसके आपको नाम नीचे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल दोबारा से आप ले लोगे Ca3P2, और आपने इसमें डाल दिया HCl, HCl जब आपने डाल दिया तो इधर भी वही क्या बन जाना है आपका, पहले तो बन जानी फॉस्फिन गैस, बिकॉज ये हाइड्रोजन है और ये फॉस्फोरस है, तो PH3 इधर से बन सकता है। देन आप लोगों को क्या करना है, देन इधर क्या बचा, कैल्शियम बचा और Cl बचा, तो कौन सा कंपाउंड बन जाएगा, CaCl2। तो वही देखिए, ये वही है, तो ये देखिए जैसे नाम इसके नीचे लिखना होता है आपने, इसको क्या है, कैल्शियम फॉस्फाइड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या हो गया, फॉस्फिन, इसको आप बोलते हो कैल्शियम क्लोराइड। तो बस ऐसे ऐसे रिएक्शंस आपको करनी होती है। देखिए सिंपल सी कहानी है, मैंने बोला आपको PH3 है, तो एक आपको दो दो चीज़ें चाहिए, एक फॉस्फोरस से मतलब है आपको, एक हाइड्रोजन से मतलब है। फॉस्फोरस से मतलब आपको ये देखो, इधर से फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड है, इधर से आपको फॉस्फोरस मिल सकता है। और दूसरा क्या चाहिए आपको, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के लिए एक पहली बार आपने लिया पानी और दूसरी बार लिया आपने HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और आराम से आपका PH3 बन गया। तो बस यही कहानी है भाई, ऐसे ऐसे आपकी प्रेपरेशन हो सकती है बहुत ही आसान तरीके से। देन एक जो लैब में तरीका अपनाया जाता है वो वाला तरीका मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क कर लीजिए भाई, स्टार मार्क, ये वाली रिएक्शन आपने करी भी हुई है। करी कैसे हुई है, जैसे आपने क्या करा था, जैसे उधर लिया था, क्या लिया था, P4 लिया था, जो जब आप वो क्या कर रहे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी कर रहे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ द वाइट फॉस्फोरस, तो उधर आपने ये रिएक्शन करी थी, ये वाला लिखा। तो इधर क्या लिया मैंने, बेस डाल दिया, ये बेस होता है ना, तो आपको पता है बेस कहाँ पे काम करता है, अगर पानी हो तभी ये अच्छे से काम कर सकता है, पानी में डिजॉल्व हो जाएगा ना, ये बेस पानी में डिजॉल्व हो जाएगा और OH रिलीज कर देगा, तभी ये बेसिक प्रॉपर्टी दिखाएगा। तभी मैंने क्या ले दिया, फॉस्फोरस ले लिया और NaOH ले लिया और पानी ले लिया, ठीक है ना। ये कौन सा फॉस्फोरस है, वाइट फॉस्फोरस है, कौन सा फॉस्फोरस है, वाइट फॉस्फोरस है, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और इसको मैंने डाल दिया इसमें पानी में डाल दिया। तो अभी देखिए एक चीज़ देखिए, इधर आपको PH3 बनाना है, PH3 बनाना है, तो इधर देखिए फॉस्फोरस भी लिया हुआ है मैंने और हाइड्रोजन भी लिया हुआ है, तो ऐसे रिएक्शन देखिए अभी कैसे रिएक्शन होनी है, रिएक्शन को समझने की कोशिश करिए। तो अभी देखिए, एक तो जो आपकी चीज़ बननी थी PH3, वो तो मैंने बना दी, फॉस्फिन गैस, देखिए इधर फॉस्फोरस होगा, कितने सारे हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, तो आराम से ये वाला आपका PH3 फॉस्फिन गैस निकल सकती है। बट उसके साथ एक चीज़ बनती थी, ये वाला NaH2PO2, NaH2PO2, इसको क्या बोलते हैं भाई, मेरे को एक चीज़ बताइए, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, ये रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है कि नहीं पढ़ी हुई है भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, मैंने बहुत सारे भाई जल्दी से रिप्लाई करिए कमेंट बॉक्स में कि ये वाली रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है कि नहीं पढ़ी हुई है। ये देखिए ये क्या है, वाइट फॉस्फोरस है, उसमें क्या डाल दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तब भी काम करता है अगर आप उसको पानी में डालोगे, तो आपने उसको पानी में डाल दिया तो आपकी क्या, फॉस्फिन गैस निकल गई, फॉस्फिन गैस जब निकल गई तो दूसरी चीज़ कौन सी निकली, NaH2PO2, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। देखिए नाम याद करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा ये नाम कैसे देते हैं, बट ये नाम तो याद करने पड़ेंगे। ये सोडियम है और इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फाइट, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। तो ये रिएक्शन भाई याद कर लीजिए भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि ये रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि नहीं पढ़ी हुई है, भाई जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि ये रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि नहीं पढ़ी हुई है, भाई जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, जल्दी से प्लीज़ जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए कि आपने ये रिएक्शन पढ़ी हुई है कि नहीं पढ़ी हुई है, भाई जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। ये वाली रिएक्शन क्या है, P4 है, NaOH है, और आपने क्या डाल दिया, इधर
पानी डाल दिया तो आपका क्या बन गया? सिंपल सी रिएक्शन है, फॉस्फिन। फॉस्फिन बनानी है ना, तो मैंने क्या बोला, जब भी आपको फॉस्फिन बनानी पड़ेगी तो आपको दो चीज़ें चाहिए, एक फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड और एक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड ये है और ये हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, दो दो हैं। NaOH तभी काम कर सकते हैं अगर आप उसको पानी में डालोगे। तो अभी देखिए, PH3 बना और दूसरी चीज़ बनी NaH2PO2। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। याद रखनी है ये चीज़, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको खुद पता है, अगर आपने फॉस्फोरस को क्या रखा, अगर ऑक्सीजन के एटमॉस्फेयर में रखा, तब ये उसके साथ रिएक्शन करके क्या हो जाएगा, P4O10 बना देता है ना, P4O10 बना देता है। और इधर ये वाइट फ्यूम्स जैसे निकलने लग पड़ते हैं भाई, P4O10 के क्या होते हैं, वाइट फ्यूम्स होते हैं, और वो क्या होते हैं, निकलने लग पड़ते हैं। तो क्या हो गया, ऐसा ना हो तो आपको मैंने बताया था उस रिएक्शन में कि आप क्या लेते हो, CO2 का एटमॉस्फेयर लेते हो, ऑक्सीजन को आप उधर क्या करते हो, कम कर देते हो, और उसकी जगह पे क्या डाल देते हो, CO2 डाल देते हो। ये अगर देखिए, अगर CO2 को डालना हो तो आपको ज़बरदस्ती डालना पड़ेगा, ज़बरदस्ती, ठीक है ना। ऑक्सीजन तो खुद ही प्रेजेंट हो जाती है, बिकॉज एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, तो आप जब भी कोई कार्रवाई करते हो तो ऑक्सीजन तो होती ही है, ठीक है ना। तो बट कार्बन डाइऑक्साइड इतनी नहीं होती है, तो इसको थोड़ा बहुत आपने बाहर से डाला, तो इसलिए आप डालते हो कि आपको एक एटमॉस्फेयर तैयार करवाना है, कि इसका इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्यों डाली, बिकॉज अगर ये मैंने नहीं डाली होती कार्बन डाइऑक्साइड, तो P4 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके P4O10 बना देता है, और जिसके वाइट फ्यूम्स हैं वो निकलने लग पड़ते, तो आपका काम खराब हो जाता, ठीक है ना। तो अभी देखिए, एक और चीज़ है, एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन भाई। पहले कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, ये रिएक्शन मैंने पहले से भी पढ़ाई हुई है और अभी भी पढ़ाई हुई है, तो ये रिएक्शन आपकी क्लियर हुई कि नहीं हुई भाई, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ये रिएक्शन आप लोगों की क्लियर हुई कि नहीं हुई। अगर क्लियर होगी तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोबारा से क्या होता है कि देखिए, जो PH3 है ना, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी देखिए, PH3 ऊपर तो बन चुकी है। PH3 क्या होती है, जब अगर प्योर हो फॉस्फिन गैस अगर प्योर हो, तो वो क्या होती है, नॉन इन्फ्लेमेबल, इन्फ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल। बट जब क्या होती है, PH3 क्या होती है, इम्प्योर होती है। उसमें चीज़ें होंगी इम्प्योर होने में, एक तो हो गए P4 हो गए, PH3 के साथ क्या होंगे, P4 होगा, या तो क्या होगा, P2H4 होगा। तो ये क्या होगा, ये फॉस्फिन गैस आपकी क्या होगी, इम्प्योर होगी। और ये क्या होती है, हाईली इनफ्लेमेबल। देखिए बहुत ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिए मैंने क्या बोला, फॉस्फिन जब प्योर होती है वो क्या, नॉन इन्फ्लेमेबल। मतलब क्या हो गया इसका, कि जब वो प्योर फॉर्म में होती, तब उसको आग नहीं लगती है भाई, तब उसको आग नहीं लगती है भाई, याद रख लीजिए। बट फॉस्फिन जब क्या होती है, इम्प्योर फॉर्म में होती है, उधर क्या होता है, उसके साथ क्या होता है, P4 होता है या P2O4 होता है, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको क्या बोलते हैं, ये कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए। इसको बोलते हैं फॉस्फोरस, क्या बोलते हैं भाई, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, फॉस्फोरस क्या बोलते हैं आगे भाई, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए भाई, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए कि इसको क्या बोलते हैं, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, ये आपका होमवर्क है। इसको P2H4 को क्या बोलते हैं भाई, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, कि अगर रिप्लाई कर दोगे तो बहुत बढ़िया, बिकॉज ये चीज़ आपने पहले से पढ़ी हुई है। जब मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स करवा रहा था, तब आप लोगों ने ये चीज़ आई थिंक करी थी, जब मैं बता रहा था इसका -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो ये वाली चीज़ आपने उस टाइम करी थी। तो अभी मैंने क्या बोला, अगर PH3 क्या होगा, प्योर फॉर्म में होगा, तो वो क्या है, नॉन इन्फ्लेमेबल है। क्या है, नॉन इन्फ्लेमेबल, तब उसको आग नहीं लगती। बट जब क्या हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है। इम्प्योर कैसे हो जाता है, अगर उसके साथ क्या हो, P4 के वेपर्स प्रेजेंट हो, या तो P2H4 प्रेजेंट हो, तो वो क्या हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है, और उस टाइम वो क्या है, इनफ्लेमेबल है। तो उसको आग लग जाती है आसानी से, जब उसके पास क्या हो, P4 हो और P2H4 हो। P4 क्या है, रेड फॉस्फोरस है, और P2H4 ये वाला आपने बताना है कमेंट बॉक्स में, बिकॉज ये आपने चीज़ पहले से पढ़ ली, इसका नाम बताना है कि भाई क्या है इसका नाम। तो ये क्या है, एक इनफ्लेमेबल है, इसको आग लग जाती है। तो देखिए ये चीज़ क्या है, इसको रोकने के लिए आप क्या करते हो,
पहले मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि आग लगती कैसे है। देखिए इधर पता क्या हो, जैसे आपने पिछली रिएक्शन पढ़ी, इधर क्या होगा, पी फोर था ना, तो आपने डाला था NaOH, और फिर क्या डाला आपने, पानी डाल दिया। ये वाली चीज़ें तो डाली थी पहले। अगर नॉर्मल क्वांटिटी में आपने ली इधर, तो उधर क्या बनेगा आपका, वही PH3 और साइड प्लस सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, Na2H2P2, Na2PO2, Na2PO2। बट ये क्या ले ली आपने, थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ले ली, इसका थोड़ा क्वांटिटी क्या ली, एक्सेस ले ली। जब आप रिएक्शन को इधर बैलेंस करोगे तो आपको चीज़ पता लग जानी, इसके पता नहीं 8 मोल्स लेते थे, इसके भी 8 मोल्स लेते थे। तो भाई देखिए इधर हाइड्रोजन कितने सारे हो गए, बहुत सारे हाइड्रोजन हो गए ना। तो अभी देखिए दो PH3 एक दूसरे के साथ, एक PH3 जब बना होगा वो कंबाइन कर जाएगा, दूसरा PH3 बना होगा वो भी कंबाइन कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ऐसा नहीं बन सकता आपका, P2H4 बन जाएगा, P2H4 बन जाएगा, बन जाएगा ना भाई। देखिए इधर P कितने हैं, दो हैं ना, P2, और H कितने हैं। तो भाई मतलब ये रिएक्शन होती है या बैलेंसिंग में ये हो नहीं पाएगी आपके, तो बस आपने याद कर लेना है, जब ज़्यादा फॉस्फोरस हो ना, ज़्यादा फॉस्फिन गैस निकले, ठीक है ना, बिकॉज आपने ज़्यादा ये वाला ले लिया ना, NaOH भी ज़्यादा क्वांटिटी में है और पानी भी क्या ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो आपका क्या होता है, तो ये वाली चीज़ इधर से निकल जाती है, इधर से क्या निकलती है, P2H4 निकल जाएगी, और दूसरी चीज़ वही NaH2PO2। अभी देखिए ज़्यादा क्वांटिटी में था बिकॉज इसके ज़्यादा मोल्स थे, उधर आपने देखने उधर नॉर्मल मोल्स होंगे, तीन तीन मोल्स होंगे, ठीक है ना, ऐसे लिखा होगा उधर रिएक्शन, जो ऊपर वाली रिएक्शन है जब आपकी फॉस्फिन बनी थी। बट जब आपके इधर ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो ये वाले, तो इधर क्या आपका बन जाता है, P2H4 मैंने बता दिया, वो क्या होता है, हाईली इनफ्लेमेबल, ठीक है ना, इसको आग लग जाती है, फॉस्फिन को आग नहीं लगती भाई, अगर प्योर फॉस्फिन होगा उसको आग नहीं लगती है। आग किसको लगती है, P2H4 को आग लगती है, और वे जलने लग पड़ता है, ठीक है भाई, ये वाली चीज़ है। अगर ये जलने लग पड़ेगा तो उससे क्या सीन हो जाएगा, तो आपको आग लग जाएगी। तो देखिए अभी ऐसा ना हो तो आप क्या करते हो, आपको प्योर प्योर फॉस्फिन बनानी पड़ेगी। प्योर फॉस्फिन बनाने के लिए आपको क्या करना है, अभी देखिए आपकी PH3 निकली, तो इसके साथ इम्प्यूरिटीज़ तो होंगी, बिकॉज आपको क्या पता है भाई, फॉस्फिन है, दोबारा दूसरी फॉस्फिन के साथ रिएक्शन करके P2H4 बना दिया उसने, P2H4 बना दिया, और वो उसको आग लगती गई भाई, ये आपका काम ख़राब है। तो आप क्या करते हो, PH3 लेते हो और उसको क्या करते हो, एक HI लेते हो, हाइड्रोजन आयोडाइड, ऐसे बोल दो, ठीक है ना, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़, ये चीज़ जब आप लेते हो तो इधर क्या हो जाएगा, HI जब आप लेते हो तो इसमें ये गैस क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, ये इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो आपको पता है ये क्या है, PH3 है, इसके ऊपर लोन पेयर भी हैं, और ये क्या है, एसिड है, तो आपकी ये वाली चीज़ बन जाती है PH4I। देखिए जो फॉस्फिन गैस थी ना, वो जब निकली, आपने उसको उसमें नहीं, आपने उसमें और कोई नहीं डाला, आपने उसको पानी वगैरह में या और पानी में नहीं डाला, जैसे फॉस्फिन गैस निकली, अगर आपने और पानी में डाल दिया, और बेस में डाल दिया, तो आपका दोबारा से P2H4 निकल जाएगा और उसको आग लग जाएगी, वो हाईली इन्फ्लेमेबल है। बट वो आग नहीं लगाना देने चाहते आप जो PH3 निकल रही है उसको किस में डाल रहे हो, HI में डाल रहे हो, तो आपका क्या बन जाता है, PH4I। जब आप लोगों का बन गया, देन आप लोग क्या करते हो, PH4I को आप डाल देते हो, बेस में डाल देते हो, बेस क्या हो गया, KOH, बेस वही होता है ना जो OH को निकाले। तो अभी देखिए रिएक्शन में क्या होगा, तो आपका K है और I है, तो कंपाउंड नमक बन जाएगा आपका कौन सा, KI, और इधर देखिए H है, इधर OH है, तो पानी बन सकता है, तो और भाई सिंपल सी कहानी है, H तो लग गया, तो इधर बचा क्या, PH3 गैस, जो ये क्या है, प्योर PH की है, PH3 कौन सी है, ये प्योर है। ये सारी कार्रवाई आप लोगों ने क्यों करी, ताकि आग ना लग जाए, दैट्स वाई आप लोगों ने क्या करा, PH3 को क्या एब्जॉर्ब कर दिया किसमें, HI में, तो उसने क्या बना दिया, PH4I, इसको बोलते हैं आप फॉस्फोनियम आयोडाइड, स्पेलिंग है PHOS PHONIUM, फॉस्फोनियम आयोडाइड। जब आप लोगों का बन गया तो उसको आप डालते हो किसमें, बेस में, KOH में डालते हो, और उधर से क्या बन जाता है, K है, I है, K है, और इधर से I मिल जाएगा, तो पोटेशियम आयोडाइड बन जाएगा, और इधर क्या H है, और इधर क्या OH है, तो पानी बन जाएगा, और इधर क्या आपका PH3,
PH3 निकल जाएगा, जो कि क्या है, प्योर है और उसको आग नहीं लगेगी भाई। बस ये वाली कहानी है, उसको आग नहीं लगेगी भाई। बस इतनी सी चीज़ याद रख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने क्या बोला, फॉस्फीन को बनाने के मैंने तीन तरीके बता दिए, सॉरी हाँ तीन तरीके। एक तो फर्स्टली मैंने कैल्शियम फॉस्फाइड से बनाया, उसको किस में डाला, H2O में डाला। देन किस में डाला था, HCl में डाला था। और लैब का तरीका कौन सा था, लैब में आपने क्या था, P4 था और NaOH था, और उसमें डाल दिया, पानी में डाल दिया। अभी देखिए इधर कैसे फॉस्फीन गैस तो निकल जाती थी, बट वो क्या होती थी, इम्प्योर होती थी। वो उसको प्योर करने के लिए आप क्या करते हो, PH3 को किस में अब्जॉर्ब कर देते हो, इसमें HI में डाल देते हो, तो आपका क्या बनता है, फॉस्फोनियम आयोडाइड, PH4I। PH4I जब आप लोगों का बन गया, तो ये क्या करता है, ये KOH के साथ रिएक्शन करके नमक बना देता है, पानी बना देता है, और नमक बना देता है, पानी बना देता है, और आपकी फॉस्फिन गैस निकल जाती है प्योर, जो इसको आग नहीं लगती। भाई कमेंट बॉक्स में एक बार रिप्लाई कर दीजिए कि ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई। भाई जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, भाई जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि जितनी चीज़ें मैंने बोली ये सारी की सारी क्लियर हुई कि नहीं हुई। भाई जल्दी कर जल्दी बोलिए, अगर नहीं बोलोगे देन मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भाई जल्दी बोल दीजिए भाई जल्दी से कि ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हुई आप लोगों की कि नहीं हुई। भाई जल्दी से बोल दीजिए, ठीक है ना, अगर हो गई क्लियर तो बहुत बढ़िया, नहीं हुई तो दोबारा से वीडियोस को देखिए, ठीक है ना, तो पता लग जाएगा। देन क्या हो गया, अभी देखिए बात करते हैं हम किसकी, अभी देखिए PH3। कमेंट बॉक्स में मेरे को इसकी शेप रिप्लाई करिए भाई जल्दी से, 2 मिनट्स आपके पास, मैं इतनी देर तक पानी पी लेता हूँ, 2 मिनट्स है आपके पास इसकी शेप बताने को। देखते हैं कौन किसको शेप्स आती हैं, PH3 की शेप कौन बता पाएगा भाई, देखते हैं कौन अच्छे से इसकी शेप बता पाएगा। भाई जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसकी शेप रिप्लाई करिए भाई, जल्दी से आप लोग इसकी कमेंट बॉक्स में इसकी शेप रिप्लाई कर दीजिए भाई, जल्दी से क्विकली। भाई जल्दी से इसकी शेप रिप्लाई कर दीजिए कमेंट बॉक्स में भाई जल्दी से। तो भाई जिस बंदे ने बोला है इसकी शेप है पिरामिडल, तो भाई अपने आप के लिए क्लैपिंग कर ले, बिकॉज वो बिल्कुल सही है भाई। इसकी पिरामिडल शेप कैसे हुई, पिरामिडल शेप इसकी कैसे हुई, देखिए PH3 है, फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले हम वही देखते हैं वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन निकाल दिया। दूसरा काम होता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, हाइब्रिडाइजेशन में मैंने क्या बोला था, जितने नंबर ऑफ एटम्स अटैच हैं, एटम नंबर ऑफ एटम्स अटैच कितने हैं, 3, तो उसने 3 इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लिए, तो एक लोन पेयर बच जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गए, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गए, तो बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन बचे ना, तो एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, तो एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। जब भी ऐसा सीन हो जाए 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, तो शेप क्या हो जाती है, पिरामिडल, बिल्कुल किसकी तरह, अमोनिया की तरह, अमोनिया जो कि आपका बेस्ट फ्रेंड है, तो ये वाली चीज़ हो गई, तो बस बिल्कुल उसकी शेप ऐसी हो जाती है। तो उसको ड्रॉ कैसे करते हैं, उसको आप ड्रॉ करते हो ऐसे, PH3, बस ये वाली शेप हो गई। और इसका एंगल होता है 98 डिग्री, जो ये वाला एंगल होता है ये होता है 98 डिग्री, तो याद रख लीजिएगा इसको, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन उसके बाद हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़, मैंने क्या बोला था, प्रेपरेशन करनी है, प्रॉपर्टीज़ करनी है, तो अभी देखते हैं प्रॉपर्टीज़ करते हैं। पहले भाई देखिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए कि क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब ये पहले तो आपको पता है ये गैस है, ये वाली चीज़ तो सभी को पता है, फॉस्फिन क्या है, गैस है, और ये कौन सी गैस है, कलरलेस है, इसका कोई भी कलर नहीं होता है, एक कलरलेस गैस है, और इसकी स्मेल पता कैसी होती है, एक सड़ी हुई मच्छी, मच्छी जो होती है, मच्छी क्या होती है, फिश, सड़ी हुई मच्छी की जो स्मेल होती है ना, वो आप लोगों की इसकी स्मेल होती है, रोटन फिश, मतलब जो सड़ी हुई मच्छी होती है उसकी तरह इसकी स्मेल होती है, मतलब आपका कहने का सेंस ये है कहने का कि बहुत ही घटिया स्मेल होती है। आप एक बार सड़ी हुई मच्छी होगी ना तो उसके पास जाइएगा, उसको खाने की कोशिश करिएगा, भाई देखिए इतनी बहुत घटिया स्मेल आती है, तो वो वाली स्मेल इसकी होती है। जब भी इधर इधर हमारे इधर तो फिश मार्केट इतना नहीं प्रेजेंट है, बट एक दो बंदों ने रखा होता है, तो उनकी जो फिशेस होती हैं अगर वो सड़ जाएंगी तो, बट वो फ्रिज वगैरह में रखते हैं तो इतनी सड़ती नहीं है, बट वो अगर सड़ जाए फिश
फिश, तो उसकी जो स्मेल होती है, आपने अगर आपको इसकी स्मेल को पता करना होगा तो आप क्या करना, अपने घर में फिश ले आना और उसको क्या देना, साड़ने की कोशिश करना, रख देना ऐसे ही, उसके ऑक्सीडेशन करवा देना, तो भाई अपने आप वो चीज़ क्या हो जाएगी, सड़ जाएगी, मतलब रख देना उधर बाहर रख देना और सड़ जाएगी, जब सड़ जाएगी तो उसकी आपको स्मेल पता लग जाएगी कि रॉटन फिश की स्मेल, एक सड़ी हुई फिश की स्मेल क्या होती है। तो ये वाली चीज़ हो गई। और क्या होता है, एक हाईली क्या होती है, एक पॉइजनस होती है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है भाई, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। एक जहरीली गैस होती है भाई, देखिए ये ऐसे नॉर्मल चीज़ नहीं है, बहुत ही खतरनाक चीज़ है भाई ये फॉस्फिन, आप इसको नॉर्मल नहीं समझ सकते, ठीक है ना, ये बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ है। एक तो देखिए, एक तो आपको स्मेल भी इतनी घटिया दे रही है रोटन फिश की तरह, देखिए आपको अगर कोई घटिया स्मेल मिल जाए, जब आपका गटर होता है तो इतनी कितनी घटिया स्मेल आती है ना, तो भाई देखिए उधर भी कोई चीज़ सड़ गई होगी तो उधर से भी क्या रोटन स्मेल आएगी ना, तो आपने कितना दुखी हो जाना है, और एक तो कलर ऐसे दिखेगी भी नहीं और स्मेल भी घटिया होगी, और दूसरा तो एक तो क्या है पॉइजनस, अगर आप सूंघ ली तो आपका काम खराब हो सकता है। तो ये वाली चीज़ हो गई, ये वाली चीज़ें पता लग गई, इसमें तो कुछ ज़्यादा पता करने वाली चीज़ है ही नहीं। और फिर देन एक और चीज़ हो गई, दूसरी प्रॉपर्टी आप इसकी लिख लीजिए कि जब एक होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये वाली चीज़ अभी के लिए शायद आपको नहीं लगे इतनी पता, बट आप याद करने की कोशिश करो। जैसे मैंने उधर बताया था रिड्यूसिंग एजेंट, मैंने क्या बोला था, रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरों की क्या करते हैं, रिडक्शन, और खुद की क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन, खुद की क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन, बिल्कुल अपोजिट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या करते हैं, दूसरों की क्या करते हैं, दूसरों की करते हैं, दूसरों की ऑक्सीडेशन, खुद की, दूसरों की ऑक्सीडेशन, खुद की रिडक्शन, दूसरों की ऑक्सीडेशन, खुद की रिडक्शन, दूसरों की ऑक्सीडेशन और खुद की रिडक्शन। तो इधर क्या होता है, देखिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे ये PH3 होगा, इसके साथ मैंने डाल दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उधर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जैसे एक तो हो गया HNO3, Cl2 होता है, ब्रोमीन होता है, और भी होते हैं जैसे ओजोन होता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। तो जब ये इनके साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन वगैरह दे देते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, अगर ये इसको ऑक्सीजन दे देगा PH3 को तो क्या हो जाएगा, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, तो आपको पता है तो कुछ P4 उसका ऑक्साइड जैसा कुछ बन जाएगा, जिसके वाइट फ्यूम्स वगैरह होते थे, ठीक है ना, जैसे P4O10 वगैरह, तो वो उधर चीज़ें बनती थी, तो वैसी कुछ बन जाएगी, तो क्या हो जाएगा उसमें, क्या हो जाएगा, धमाका हो जाएगा। तो देखिए ये ऑक्सीजन इसको दे रहा है, तो ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रही है, फॉस्फोरस के साथ जुड़ रही है ना, तो फॉस्फोरस के साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एडिशन क्या होती है, ऑक्सीडेशन, तो दूसरा ये है, दूसरों की क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, खुद से इसने क्या करा, ऑक्सीजन रिमूव करवाया, ऑक्सीजन इसने रिमूव करवाया, तो क्या करी, खुद की इसने क्या करी, रिडक्शन, दूसरों की क्या करी, ऑक्सीडेशन। तो बस यही बस कहने का क्या मतलब है, जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या हो जाता है, धमाका कर देता है, धमाका, एक्सप्लोड, एक्सप्लोड कर देता है, लेकिन एक्सप्लोड कर जाता है। तो ये वाली चीज़ आप लोगों को याद करनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई जब भी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ मिल जाएगा तो आपको बताया इन्होंने ऑक्सीजन वगैरह दे देनी, तो उधर से क्या निकल जाने, आपके फ्यूम्स वगैरह निकल जाने, वाइट फ्यूम्स जैसे P4O10 ऐसे ऐसे कुछ निकल सकते हैं, तो आपका क्या हो जाना, उन्होंने धमाका कर जाना, ठीक है ना, मतलब एक्सप्लोजन जैसा हो जाएगा तभी तो उधर से फ्यूम्स वगैरह निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जब इनके साथ आप रिएक्शन करोगे। तो बस ये वाली चीज़ आपको सिर्फ इसके लिए इतनी चीज़ याद रखनी है कि इट एक्सप्लोड्स, ये धमाका कर जाता है इन कॉन्टैक्ट विद, बस इतनी सी लिखनी है चीज़ उधर, इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से, HNO3 हो गया, Cl2 हो गया और Br2 हो गया, बस इतनी सी कहानी लिखनी है, ज़्यादा कुछ लिखना ही नहीं है। और देखिए एक और चीज़ हो गया, एक होता है बेस, बेस क्या होता है, मैंने आपको डेफिनेशंस बताई थी, जो OH रिलीज करता है, ब्रोंस्टेड की डेफिनेशन, जो H को ये रिलीज करता है, OH को रिलीज करता है वो बेस, OH को रिलीज करता है वो भी बेस, और H को, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है वो भी बेस। और मैंने एक और चीज़ डेफिनेशन, लुइस बेस क्या है, भाई कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि लुइस बेस क्या चीज़ है, लुइस बेस क्या है, भाई जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि लुइस बेस क्या है। मैंने उस दिन भी बताया था, जिसके पास दानवीर हो, जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस बंदे के पास होते हैं वो क्या हो गया, बेस हो गया। तो भाई देखिए PH3 है, जब आपने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करा तो इधर देखिए PH3 है,
तो देखिए इधर तो बॉन्ड बन चुका है, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो यूज़ हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यूज़ हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यूज़ हुआ, बट ये वाला तो पड़ा हुआ है ना भाई, ये वाला पड़ा हुआ है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, इट इज़ एक्टिंग एज अ बेस। और बेस आपको पता है एसिड बेस जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि जब भी एसिड बेस की रिएक्शन होती है तो क्या चीज़ बनती है हमारी, क्या चीज़ बनती है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान सी रिएक्शन है भाई, जल्दी से बोलिए जब भी एसिड बेस रिएक्शन होती है तो आपकी क्या चीज़ बनती है भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि भाई जब भी एसिड बेस की रिएक्शन होती है तो क्या चीज़ बनती है। देखिए PH3 है तो इसके साथ अगर हम HBr की रिएक्शन करवा देंगे तो भाई इसका नमक बन जाएगा, इसका नमक का क्या फॉर्मूला होगा, PH4Br, जैसे हमने PH4I पढ़ा ना, ये क्या बन जाएगा, फॉस्फोनियम ब्रोमाइड, फॉस्फोनियम ब्रोमाइड, आप इसका नाम लिख सकते हो फॉस्फोनियम ब्रोमाइड। अभी देखिए ये बना कैसे, देखिए इधर क्या है, P है, H है, ये लोन पेयर पड़ा हुआ है, तो इधर क्या हो गया HBr, तो लोन पेयर ने H के ऊपर अटैक कर दिया, तो इधर ये नेगेटिव होता है, ये पार्शियल पॉजिटिव, तो इधर क्या बन जाएगा, PH4 पॉजिटिव, Br नेगेटिव, तो ये वाला आपका आयनिक कंपाउंड जैसा कुछ बन जाता है, तो ये वाला क्या हो गया, फॉस्फोनियम ब्रोमाइड, फॉस्फोनियम ब्रोमाइड, ये वाली चीज़ याद रख लीजिएगा, ये क्या है, बेस है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, स्लाइटली सॉल्यूबल इन पानी, पानी में ज़्यादा सॉल्यूबल नहीं है बट क्या है, स्पेरिंगली स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर, मतलब ज़्यादा नहीं है, थोड़ा कम सॉल्यूबल है पानी में, जितना होना चाहिए, जितना नमक होता है सॉल्यूबल पानी में उतना नहीं, ये क्या, स्लाइटली सॉल्यूबल है किसमें, पानी में। और देखिए एक और चीज़ है, अगर फॉस्फीन की रिएक्शन, अगर आप जब भी पानी के साथ रिएक्शन करोगे ना, पानी के साथ रिएक्शन करोगे, जब भी आप फॉस्फीन को पानी में डाल दोगे, पानी में डाल दोगे तो वो क्या हो जाएगा भाई, तो वो डिकम्पोज कर जाएगा, टूट जाएगा, किसमें, किसमें टूट जाएगा, वो टूट जाएगा भाई किसमें, जब भी आप इसकी रिएक्शन पानी के साथ करोगे तो वो टूट जाएगा किसमें, आपका रेड फॉस्फोरस में, रेड फॉस्फोरस तो आपको पता है क्या चीज़ है, ठीक है ना, रेड फॉस्फोरस में टूट जाएगा, और देन क्या हो जाएगा, रेड फॉस्फोरस बन जाएगा और H2 निकल जाती है, और H2 आपको पता है कि हाईली इनफ्लेमेबल है, उसको आग आसानी से लग सकती है, जैसे आपने एक एक्सपेरिमेंट करा होगा बचपन में, जब आपके एसिड वो रिएक्शन कर रहे थे, जब आपके मेटल लिया था और उसमें आपने एसिड डाला था, जब 9th 10th में एक्सपेरिमेंट करा हुआ है, केशव स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उधर तो उनको करवाया होगा आई थिंक, एक क्या होता है मेटल होता था तो उधर क्या होता था, उसके बीच में आप एसिड डालते थे और हाइड्रोजन गैस निकल जाती थी और उसको आग लगाते थे और आप दूर दूर भागते थे और आप बोलते थे देखिए हाइड्रोजन, जब आपने आग लगाई तो पॉप साउंड होता था, पॉप पॉप टक 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 की आवाज़ होती थी, टक टक की आवाज़ होती थी, वो ड्यू टू द यही प्रॉपर्टी थी, हाइड्रोजन गैस क्या है, इनफ्लेमेबल है, तो वो यही प्रॉपर्टी थी, तो बस ये वाली चीज़ याद हो गई, ठीक है ना भाई, मेरे को एक चीज़ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि वो वाला एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने करा हुआ है कि नहीं करा हुआ है, जब ये वाला हाइड्रोजन गैस निकलती थी उधर से आपको पता लगता था हाईली इनफ्लेमेबल है, तो अभी देखिए भाई जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि वो वाली रिएक्शन आपने करी हुई है कि नहीं करी हुई है, भाई जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, भाई जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए कि वो रिएक्शन करी हुई है कि नहीं करी हुई है, अगर करी हुई है तो बहुत बड़ी, अभी देखिए इतनी सी हाइड्रोजन निकलती थी तो इतना प्रोप्शन, अभी देखिए इतनी सारी हाइड्रोजन गैस होगी तब तो क्या हो जाएगा भाई, धमाका नहीं हो जाएगा, तो बस भाई सिंपल सी कहानी है, आपको पता है हाइड्रोजन गैस है भाई निकल जाएगी, अगर पानी में डाल दिया आपने उसको तो रेड फॉस्फोरस बनेगा और क्या हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, और आपको पता है ये हाईली इनफ्लेमेबल है। ओके तो ये वाली चीज़ हो गई, याद हो गई चीज़ें कि नहीं हुई भाई, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, याद हो गई कि नहीं हुई। देन क्या हो गया, फॉस्फीन की रिएक्शन आप क्या करते हो, कॉपर सल्फेट के साथ करते हो, कॉपर सल्फेट के साथ और मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ HgCl2। तो अभी देखिए इधर सिंपल सी कहानी क्या हो सकती है, क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, इधर देखिए क्या होगा, ये क्या है मेटल है, ये भी क्या है मर्क्यूरी भी क्या है मेटल है, ठीक है ना, तो अभी देखिए ये क्या कर जाएगा, ये देखिए आपको नहीं लगता कि होगा क्या, समझने की कोशिश करिए, ये हाइड्रोजन है और SO4 है, कोई कुछ लग नहीं रहा, कोई जाना पहचाना कोई कंपाउंड इधर से बन सकता है, इधर हाइड्रोजन है और इधर Cl है, तो लगता नहीं आपको कोई जाना पहचाना कंपाउंड आपका बन सकता है, देखिए इधर Cu है उधर P है, तो इधर से भाई क्या बन जाएगा आपका, इधर से बन जाएगा Cu3 कॉपर का फॉस्फाइड, और इधर क्या है H है और SO4 है, तो भाई आपको नहीं लगता H2SO4 बन जाएगा,
सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। मैंने बताया था भाई सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सारी कहानी बताई है। तो इधर क्या बन जाएगा, एच जी थ्री पी टू, एच जी थ्री पी टू प्लस क्या बन जाएगा, एच है और सी एल है, तो भाई ये वाली चीज़ बन जाएगी, फोस्फाइड्स बन जाते हैं। जब भी आप मेटल की ये इनके नमक जो होते हैं, जब भी ये वाले कॉपर सल्फेट और मर्क्यूरियल क्लोराइड वगैरह की रिएक्शन आप फॉस्फिन वगैरह से करवा देते हो, तो आपके क्या फॉस्फाइड बन जाते हैं और रिस्पेक्टिव आपका वो क्या बन जाता है, रिस्पेक्टिव आपका एसिड बन जाता है। तो भाई कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए, इतनी सारी चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई, भाई जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हुई कि नहीं हुई, भाई जल्दी से क्विकली रिप्लाई करना है, जल्दी से भाई रिप्लाई कर दीजिए ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो अगर क्लियर हो गई तो मैं आपको बताता हूँ यूजेस, यूजेस में दो यूजेस बताने हैं आपने, एक तो होता है होल्म सिग्नल, होम सिग्नल और दूसरा क्या हो गया, एक स्मोक स्क्रीन, होम सिग्नल और दूसरा क्या हो गया, स्मोक स्क्रीन, स्मोक स्क्रीन स्क्रीन बनाने के काम आता है ये फॉस्फोरस के कंपाउंड्स, फॉस्फिन गैस और ये क्या हो गया, एक स्मोक स्क्रीन का काम करता है। अभी देखिए नाम से पता लग रहा है, देखिए होम, होम तो पता नहीं क्या चीज़ है, इसका तो हमें कुछ नहीं सकते, सिग्नल, सिग्नल देना मतलब देखिए भाई जब आप लोग जाते हो, जब आप लोग जाते हो तो लाइट्स होती हैं ना, रेड होती है, ग्रीन होती है, ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, आपने इनके बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, रेड होती है, ग्रीन होती है, तो ये वाली लाइट्स होती है ना, तो अभी देखिए ये जो लाइट्स होती हैं वो सिग्नल देती है ना कि आपको रुकना है, कि जाना है, या क्या क्या चीज़ करनी है। तो वैसे ही भाई जो शिप्स होती हैं, शिप्स जो होती हैं ना, जो समंदर में जहाज होते हैं, समंदर में जो जहाज होते हैं वो भी एक सिग्नल्स देते हैं दूसरी शिप को कि भाई मैं आ रहा हूँ, कि तो एक दूसरी साइड से आ रहा होगा, एक इस साइड से जा रहा होगा, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, सिग्नल देते हैं कि भाई मैं आ रहा हूँ तू जा रहा है, तो ये वाली चीज़ वो सिग्नल्स देते हैं एक दूसरे को, सिग्नल्स देते हैं। कि वो कैसे सिग्नल देंगे, ऐसे तो नहीं करेंगे एक बंदा उधर शिप समंदर, भाई कितना बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा समंदर होता है, तो हाथ तो ऊपर करेगा नहीं भाई, हाँ भाई क्या हाल है, ऐसा थोड़ी ना बोलेगा, या फिर ऐसा ही बोलेगा भाई, उसका हाल पूछेगा हाथ ऊपर करके कि मैं आ रहा हूँ भाई रुक जा उधर ही, ऐसा होगा कि नहीं होगा, भाई जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, हाथ ऊपर करके करेगा या फिर कोई सिग्नल देगा भाई जल्दी से, या हाथ ऊपर करेगा, और भाई ठीक ठाक सेहत ठीक है, ऐसे तो ऐसे बोलेगा या कुछ और बोलेगा, भाई जल्दी से बोलिए। तो उधर क्या होता है, इधर ऐसा नहीं होता, बिकॉज भाई वो इतना सा इंसान है और शिप्स इतनी बड़ी बड़ी होती है, वो दूर से दिखेगा ही नहीं उसको, वो भी इतनी बड़ी शिप होगी, उसका हाथ थोड़ी ना दिखेगा उधर, उधर कुछ सिग्नल देना पड़ता है, कुछ अलग सी चीज़ करनी पड़ती है, तो उसके काम आता है। ये इसके यूजेस हैं फॉस्फिन के, तो मैं आपको उसका इसका थोड़ा प्रोसीजर बताता हूँ। और देन आता है स्मोक स्क्रीन। अभी स्मोक क्या होता है, आपको पता है स्मोक, जब आप सिगरेट यूज़ करते हो तो स्मोक निकलती है ना, सिगरेट जो बंदे पीते हैं तो उधर से क्या निकलती है, स्मोक निकलती है और स्क्रीन जैसी बन जाती है। स्क्रीन मतलब पूरा हर एक जगह पे धुआं ही धुआं, हर एक जगह पे जब धुआं ही धुआं हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, स्मोक स्क्रीन, स्मोक स्क्रीन, ठीक है ना, स्मोक स्क्रीन का काम हो गया, स्मोक स्क्रीन और होल्म सिग्नल क्या हो गया, सिग्नल दिया दूसरे बंदे को कि भाई मैं आ रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ स्मोक का धुआं ही धुआं हो जाए तो उसको आप क्या बोलते हो, स्मोक की स्क्रीन। तो ये चीज़ें बनती कैसे हैं, इनका लॉजिक वेला सिंपल है। इसमें क्या करते हो, जैसे समंदर, समंदर में जो होते हैं कंटेनर्स होते हैं, उसमें क्या करते हो, जैसे एक शिप होगी ये वाली, एक समझो ये शिप है, ऐसे बनेगी नहीं यार, ये शिप है, ये दूसरी शिप आ रही है, देखिए थोड़ा हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ये समंदर है, ठीक है ना, ये समंदर है, तो इधर क्या होगा, कोई एक कंटेनर होगा, कंटेनर क्या होगा, ये कंटेनर होगा, इसमें आपने क्या डाल दिया होगा, सी ए थ्री पी टू, सी ए थ्री कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम फॉस्फाइड डाल दिया, और दूसरा डाल दिया अपने कैल्शियम कार्बाइड, सी ए सी टू कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड डाल दिया, एक में डाल दिया कैल्शियम, इस कंटेनर में आपने डाल दिया सी ए सी टू और क्या डाल दिया दूसरा आपने, सी ए सी टू कैल्शियम कार्बाइड और सी ए सी टू डाल दिया, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड इस कंटेनर में डाल दिया, तो क्या कर दिया, इसको आपने क्या कर दिया, ये कंटेनर होगा, इसमें दो चीज़ें हैं सी ए थ्री पी टू और सी ए सी टू, ये दो चीज़ें हैं, तो इसको क्या करते हो, इसको आप सुराख करते हो, इसको आपने क्या कर दिया, सुराख कर दिया, तो ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा कंटेनर हो गया, ठीक है ना, सुराख कर दिया, तो इसमें क्या है, सी ए थ्री पी टू और सी ए सी टू, ये वाली चीज़ है। तो अभी देखिए सुराख कर दिया और इस कंटेनर को आपने फेंक दिया समंदर में, समंदर में क्या है, पानी है, तो आपको पता है सी ए थ्री पी टू,
किसके साथ? पानी के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बन जाती है भाई? फॉस्फिन गैस नहीं बनती, आपने ये फर्स्ट रिएक्शन नहीं पढ़ी, तो CaOH2, CaOH2 ये नहीं बनती है, तो भाई फॉस्फिन गैस निकल गई। तो क्या होता है, इसके साथ इम्प्यूरिटीज भी प्रेजेंट होंगी, P2H4 आराम से बन जाएगा, ठीक है ना, आराम से P2H4 बन जाएगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा फॉस्फिन निकलेगी, बहुत ज़्यादा फॉस्फिन निकलेगी, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाएगी, तो P2H4 जैसा कुछ बन जाएगा। जब वही P2H4 बन गया तो वो क्या, हाईली इन्फ्लेमेबल है, आग पकड़ लेगा। जब इधर से CaCO2 का काम क्या है, इधर से एसिटाइलिन गैस निकलती है, ठीक है ना। इतना डिटेलिंग याद नहीं करनी है, बस आपको इतनी चीज़ याद रख लो कि इधर से देखिए ये रिएक्शन करी, कैल्शियम फॉस्फाइड से PH3 निकल सकती है, फॉस्फिन गैस निकल सकती है, और जब वो अगर वो प्योर स्टेट में हो तो वो क्या होती है, हाईली सॉरी इनफ्लेमेबल, बट अगर वो इम्प्योर स्टेट में हो जाए, जब P2H4 बन जाए, तो वो क्या हो जाती है, हाईली इनफ्लेमेबल, सॉरी उसको क्या लग सकती है, आग आसानी से लग सकती है। PH3 क्या है, नॉन इनफ्लेमेबल, उसको आग नहीं लगती है, बट P2H4 वो क्या है, इनफ्लेमेबल, आसानी से आग लग सकती है। तो इसको जब आसानी से आग लग गई तो एसिटाइलिन भी उधर होगी, तो ये दोनों एक दूसरे के जलने लग पड़ती हैं, तो उधर से एक जलने लग पड़ती हैं, तो एक सिग्नल जैसा पैदा हो जाता है, धुआं धुआं हो जाता है, जैसे जलने लग पड़ेगी चीज़ जब वो पानी के साथ कंबाइन करेगी, तो कुछ धुआं धुआं टाइप हो जाता है और वो उड़ने लगता है, और जब वो उड़ने लगेगा तो दूसरी जो शिप आ रही होगी तो उधर से उसको पता लग जाएगा कि हाँ भाई उधर होल्म सिग्नल बन चुका है, तो इसका मतलब उस साइड से कोई शिप आ रही है। तो बस ये वाली चीज़ होती है, ताकि शिप्स का जो है टकराव जो है वो रुक जाए, ठीक है ना, टकराव ना हो पाए, दैट्स वाई आप क्या होम सिग्नल बनाते हो। तो ये वाली चीज़ समझ आई भाई? बस इतनी चीज़ याद रखनी है कि गैसेस निकल जाती हैं तो उधर से क्या हो जाता है, आपका होम सिग्नल बन जाता है, जैसे फॉस्फिन गैस होगी वो कंबाइन करके P2H4 बना देगी, तो उधर से क्या, आपका होम सिग्नल तैयार हो जाएगा। भाई थिंक क्लियर हुई कि नहीं हुई भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए। अभी देखिए वो जलने लग पड़ेगा, जब वो ऊपर ऊपर धुआं उठने लग पड़ेगा, जलने लग पड़ेगा, तो आपको पता है धुआं तो उठेगा ही, धुआं जब उठने लग पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, तो सिग्नल जैसा कुछ बन सकता है। तो बस यही चीज़ है भाई, जब भी देखिए लड़ाकू विमान होते हैं, लड़ाकू विमान होते हैं, वॉरशिप्स होती हैं, लड़ाकू जहाज होते हैं, लड़ाकू जहाज देखिए, जब कहीं लड़ाई हो रही है तो आपको पता है ना, देखो धुआं धुआं हर एक जगह पे, धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं हर एक जगह पे, क्या है, धुआं ही धुआं है। तो भाई वो कैसे धुआं पैदा होता है, उसका भी लॉजिक यही है भाई, आपका फेवरेट क्या, फॉस्फिन गैस। तो इधर क्या होता है, देखिए जो जैसे वो कोई ऐसे धमाके जैसे होते होंगे, ठीक है ना, वो होते होंगे गोले वगैरह होते होंगे, उसमें क्या डाला होता है, उसमें आपका क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फाइड CA3P2, इसको ही क्या करा जाता है, इसको ही जलाया जाता है, किसके द्वारा, वॉरशिप्स के द्वारा। वॉरशिप्स क्या करती हैं, इसको ही जलाती हैं, और इधर से क्या निकल जाती है, आपको पता है PH3 गैस इधर से निकल सकती है, कैल्शियम फॉस्फाइड से जब ये पानी वगैरह के साथ रिएक्शन करेगा तो इधर से क्या निकल सकता है, PH3 गैस निकल सकती है। PH3 गैस जब निकल गई तो आपको पता है अभी एटमॉस्फेयर में PH3 गैस ऑक्सीजन तो होगी ही, उसके साथ जब कंबाइन करेगी तो मैंने पीछे भी बोला था P4O10 जैसा कुछ बन सकता है, और इसके फ्यूम्स कैसे होते हैं, वाइट फ्यूम्स, वाइट फ्यूम्स होते हैं, और वो उड़ने लग पड़ेंगे, और चारों तरफ आपको पता है वाइट फ्यूम्स जैसे दिखने लग पड़ेंगे, वाइट फ्यूम्स जैसे दिखने लग पड़ेंगे, तो उसको ही आप क्या बोलते हो, स्मोक स्क्रीन। वही चीज़ समझ आई कि नहीं आई? उसमें जो वॉरशिप्स में जो शेल्स होते हैं, ठीक है ना, गोला बारूद जो होते होंगे, ठीक है ना, उधर क्या होगा, आपके उसमें डाला है कैल्शियम फॉस्फाइड डाला है, कैल्शियम फॉस्फाइड से आपको पता है फॉस्फिन गैस आराम से निकल सकती है, और फॉस्फिन गैस जब निकल गई वो एटमॉस्फेयर में चली गई, एटमॉस्फेयर में जब चली गई तो उधर से क्या बन गया, P4O10 बन गया, P4O10 के आपको पता है वाइट फ्यूम्स होते हैं, और वो चारों तरफ फैलने लग पड़ते हैं, और तभी जब आप लड़ाई देखते हो तो उधर क्या, वाइट फ्यूम्स जैसे आपको चारों तरफ दिखते हैं, वो ड्यू टू दिस। भाई देखिए लॉजिकल एक्सप्लेनेशन समझ आई कि नहीं आई? भाई जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि जो मैंने चीज़ें बोली वो सारी की सारी चीज़ें समझ आई आप लोगों को कि नहीं आई? भाई जल्दी से बोल दीजिए कि कमेंट बॉक्स में कि जितनी भी चीज़ें मैंने अभी तक बोली है सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आई कि नहीं आई? भाई जल्दी से बोल दीजिए, अगर समझ आई तो वेल एंड गुड, नहीं आई तो दोबारा से वीडियोस देखिए। तो अभी हम बात करते हैं किसकी, फॉस्फोरस के हैलाइड्स की। तो आपने पता है कौन से हैलाइड्स होते हैं, एक तो होता है PX3 और PX5, ये मैंने बताया था, इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये वाली चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि ये इसके बन सकते हैं। तो अभी देखिए बनते कैसे हैं, देखिए इधर सिंपल सी कहानी है, इधर क्या, पहले हम प्रेपरेशन करते हैं किसकी, इधर भी हमने प्रेपरेशन प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर देखना है। प्रेपरेशन देखते हैं हम किसकी, PCl3 की। भाई खुद बताइए इधर देखिए पढ़ा क्या क्या हुआ है, P है और Cl3 है, फॉस्फोरस है और क्लोरीन है,
फास्फोरस है और क्लोरीन है, तो कैसे बन सके, कैसे बन पाएगा भाई ये? भाई ये क्या होता है, इधर क्या होता है, सिंपल सा आपने वाइट फास्फोरस लेना है और उधर क्या लेना है, Cl2 क्लोरीन गैस ले लेनी है। जैसे मैंने उधर पढ़ा था ना, फ्लोरीन क्या है, गैस है, क्लोरीन भी क्या है, गैस है, ब्रोमीन क्या है, लिक्विड है, आयोडीन क्या है, सॉलिड है। तो ये वाली चीज़ें, जैसे क्लोरीन क्या होगी, गैस होगी, क्लोरीन गैस आपने ली तो इधर से क्या बन सकता है आपका, PCl3 आपका आराम से बन सकता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ जब रिएक्शन करेंगे, बिकॉज PCl3 बनाना है तो कुछ ऐसी चीज़ें लेनी पड़ेंगी जिसमें एक में फॉस्फोरस होगा और क्लोरीन होगा, तो इधर क्या होगा, फॉस्फोरस हो गया, इधर क्या हो गया, क्लोरीन हो गया, तो आपका आराम से क्या बन गया, PCl3। बैलेंसिंग वगैरह कर लेना, बट इधर क्या करना है, PCl3 है तो इधर इसकी आपने लिमिटेड क्वांटिटी लेनी है, ज़्यादा नहीं लेना है, क्लोरीन आपने ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आपने P4 अगर ज़्यादा ले लिया, अगर एक्सेस में ले लिया, तो क्या बन जाएगा आपकी दूसरी चीज़ बन जाएगी जिसको आप बोलते हो क्या, PCl5, बिकॉज ये वाला हैलाइड भी है ना, तो इधर देखिए Cl कितने, 5 लगे हैं, इधर 3 लगे हैं, अगर ज़्यादा लोगे तो ऑब्वियसली बात है PCl5 बन जाना। तो बस ये वाली चीज़ बेटा आप लोगों को क्लियर हो ही गई होगी, बिकॉज इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। देन अभी दूसरी प्रेपरेशन इसकी क्या है, दूसरी प्रेपरेशन आप इसकी थायोनिल क्लोराइड से कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। P4 है, इसकी रिएक्शन करोगे, ये वाली याद रख लेना, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी बुक में एज इट इज़ दी रखी है। इसको आप बोलते हो थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड P4O। देखिए अभी देखिए फॉस्फोरस है, PCl3 बनाना है ना, और इधर क्लोरीन है, तो ये बन गया। तो एक चीज़ तो सबसे पहले वही बना दो, PCl3 तो बनना ही है, थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं इसको बेटा, नाम याद रखने पड़ेंगे आपको थोड़ी देर में। अभी देखिए सल्फर के लिए हम थायो वर्ड यूज़ करते हैं, थायो, तो दैट्स वाई इधर थायो ओनिल, बिकॉज ऑक्सीजन है, और Cl मीन्स क्लोराइड, थायो मीन्स सल्फर, ऑक्सीजन मीन्स ओनिल मीन्स ऑक्सीजन, और क्लोराइड मीन्स ये वाली चीज़। तो ये वाली चीज़ PCl3 आपकी बन गई, PCl3 जब आपकी बन गई, अभी देखिए सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है, तो आपको पता है SO2 गैस भी निकल सकती है, SO2 गैस भी निकल सकती है। तो एक चीज़ ये वाली थोड़ी नई सी चीज़ है आप लोगों के लिए, ये वाली चीज़ याद रख लेना, वो होता है S2Cl2, इसको क्या बोलते हैं, डाई सल्फर, डाई क्लोराइड, दो सल्फर लगे हुए हैं ना, और दो ही क्लोराइड लगे हुए हैं, तो बेटा प्लीज़ इसको याद कर लेना अच्छे तरीके से, दो सल्फर लगे हैं और दो क्लोराइड लगे हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डाई सल्फर डाई क्लोराइड, डाई सल्फर डाई क्लोराइड। देखिए दो तरीके बता दिए मैंने आपको, फॉस्फोरस, देखिए रिएक्शंस को ये बहुत ज़्यादा रिएक्शंस हो जानी है आपको, बाद आपने बोला 100 तक रिएक्शंस हो जानी है, तो आपको एक एक करके अच्छे तरीके से कोई ट्रिक बना के दिमाग लगा के ये सारी की सारी रिएक्शंस याद कर लेनी है, बिकॉज बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, रिएक्शंस ऐसे याद नहीं होती, तो आपको क्या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हद से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपका काम हो पाएगा। ओके, तो अभी देखिए मेरे को एक इसका स्ट्रक्चर कौन बताएगा, PCl3 का क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, मैं इतनी देर तक पानी पी लेता हूँ। ओके भाई जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, इसका क्या स्ट्रक्चर होगा। भाई जल्दी से रिप्लाई करा सभी ने, इसका स्ट्रक्चर भाई सिंपल सा है भाई, फॉस्फिन की तरह, PH3 की तरह, क्यों, बिकॉज इधर फॉस्फोरस है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5 होंगे, वही सेम कहानी है भाई उधर, बिकॉज हाइड्रोजन में भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन में भी लास्ट में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो बस इधर भी क्या PCl3, और एक क्या होगा लोन पेयर होगा, तो सिमिलर सा इसका क्या हो जाएगा, पिरामिडल स्ट्रक्चर, और इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 100 डिग्री। बॉन्ड एंगल याद होगा तो रख देना, नहीं होगा तो रहने देना, बट याद हो जाए तो ज़्यादा सही है, ठीक है ना, 100 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल होता है, याद ही करना पड़ेगा। तो ये वाली चीज़ें आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो ही गई, वही चीज़ें क्लियर हो गई ना भाई, सिंपल से बिल्कुल उसकी तरह, जैसे PH3 का था, PCl3 का भी वैसा ही है क्या स्ट्रक्चर, कौन सा, पिरामिडल। देन आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि क्या हो गया, अभी देखिए इसका प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ में क्या हो गया, प्रॉपर्टीज़ में ये क्या है, कलरलेस है, कलरलेस, और ये क्या है, फॉस्फिन क्या थी, गैस थी ना, ये क्या है, ऑयली लिक्विड है, ये क्या है, कलरलेस है, और ये क्या है, ऑयली लिक्विड है, मतलब ऑयल की तरह एक लिक्विड है, कलरलेस है, बट इसका कलर नहीं है। फॉस्फिन भी क्या थी, कलरलेस थी, बट वो क्या थी, गैस थी, कलरलेस गैस थी, जिसकी बहुत ही घटिया स्मेल थी, और वो क्या थी, पॉइजनस थी। तो अभी देखिए ये क्या करता है, PCl3 होगा ना, ये आपका क्या करेगा, पानी में जब आप लोग इसको डालोगे ना, तो क्या बन जाएगा, आपको खुद पता है क्या 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 बन सकता है, एक तो H पड़ा हुआ है और Cl पड़ा हुआ है,
HCl तो बन सकता है। तो अभी देखिए इधर क्या है, H पड़ा हुआ है, P पड़ा हुआ है और ऑक्सीजन भी पड़ा हुआ है। H पड़ा हुआ है, P पड़ा हुआ है और ऑक्सीजन भी पड़ा हुआ है, तो भाई एक एसिड बन जाता है जिसको आप बोलते हो फॉस्फोरस एसिड। ये पहले भी हमने देखा था, H3PO3, PO4 नहीं बन रहा, ये बन रहा है फॉस्फोरस एसिड, PHOROUS। ये आपने उधर भी पढ़ा था कब, जब आप वो क्या कर रहे थे, जब आपने ठंडे और गर्म पानी में वो डाला था, ठीक है ना, ठंडे और गर्म पानी में, याद करिए भाई पिछली रिएक्शंस, ठीक है ना। तो उधर आपने ये सारी चीज़ें करी थी जब आप लोग क्या कर रहे थे, जब आप लोग क्या कर रहे थे, जब ये वाली चीज़ें आपने करी थी, P4O6 वगैरह की रिएक्शन, P4O6 की रिएक्शन आपने करी थी, P4O6 की रिएक्शन ठंडे पानी से करी थी, तो क्या हो गया था, H3PO3 बन गया था। अगर गर्म पर से करी थी तो H3PO4 बन गया था। तो बस वही चीज़ है, PCl3 की रिएक्शन आपने H2O के साथ करी, तो इधर से क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, H3PO3। H इधर से और Cl इधर से, P बच गया, O बच गया और हाइड्रोजन बच गया, तो आपका एसिड बन जाना है कोई, वो बन गया H3PO3। तो ये वाली चीज़ आप लोग याद कर लीजिए भाई अच्छे से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी देखिए इधर आपको एक लॉजिक चीज़ बताता हूँ, PCl3 और H3PO3 यही क्यों बना, इसका पता क्या सीन है, पानी में डालने से ये चीज़ क्यों बनी। देखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, फॉस्फोरस का, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट है इधर कितना, +3 +3 है ना। इधर देखिए, इधर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करिए, ठीक है ना, 3 × हाइड्रोजन का कितना होता है ऑक्सीजन, +1 +X+3 × -2 = 0। तो भाई देखिए इधर कितना, 3 + X - 6 = 0। तो -6 और -3 कितना, -3 + X = 0, और एक्स की वैल्यू कितनी आई, +3 आई। तो देखिए ये जो फॉस्फोरस एसिड है ना, तो इधर भी फॉस्फोरस के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +3 होता है। तब भी देखिए इधर कोई और रिएक्शन नहीं करवा रहे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, इधर हम रिएक्शन करवा रहे हैं सिर्फ पानी में डाल रहे हैं भाई, पानी में घोल रहे हैं, उस ऑयली जो लिक्विड है आपको उसको आपने पानी में डाल दिया, तभी आपकी ये चीज़ बन गई फॉस्फोरस एसिड। तो ये वाली चीज़ हो गई, इधर भी ऑक्सीजन स्टेट कितना है, +3, उधर भी ऑक्सीजन स्टेट कितना है, +3 होगा। तो ये वाली चीज़ है। देन आप लोगों को एक चीज़ है, देखिए ये वाली चीज़ जब आप लोग ये वाली चीज़ आई थिंक आपने 10वीं में नाम पता होगा, CH3COH, और ये क्या है, C2H5OH, ये क्या है, एसिटिक एसिड है। जो आप लोग जब आप लोग चीज़ें बनाते हो, खाना वगैरह बनाते हो, सिरका, सिरका नाम से बोलते हैं इसको, ठीक है ना, एसिडिक एसिड, विनेगर बोलते हैं इसको, विनेगर अपने खानों में जब आप तड़का तड़का वगैरह लगाते हो तब आप यूज़ करते हो, है ना, करते हो कि यूज़ कि नहीं करते भाई, करते हो कि नहीं करते हो यूज़ भाई, जल्दी से बता दीजिए कि विनेगर का यूज़ करते हो तड़का लगाने के लिए कि नहीं करते भाई, जल्दी से बोल दीजिए, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। और ये क्या है C2H5, ये क्या है भाई, जल्दी से बोल दीजिए ये क्या है, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए भाई, ये क्या चीज़ है C2H5, ये क्या है भाई, दारू है, ये दारू है, इसको आप बोलते हो इथेनॉल बोलते हो, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़, तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, PCl3 के साथ रिएक्शन करवानी है, PCl3 के साथ रिएक्शन करवानी है, तो क्या हो जाएगा, तो अभी देखिए इधर ये चीज़ बन रही है आपकी, क्या चीज़ होगी, CH3COH, OH की जगह पे क्या लग जाएगा, Cl, इधर भी क्या लग जाएगा, OH की जगह पे क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा, इधर क्या लगेगा, CH3COCl, बाकी सब कुछ वैसे ही है, CH3CO, सिर्फ OH की जगह पे क्या लग गया, Cl लग गया, बचा क्या क्या, फॉस्फोरस बचा, फॉस्फोरस बचा, और ये दो ऑक्सीजन है, OH है, OH है, तो बस इधर भी वही चीज़ बन जाएगी, क्या बन जाएगी, H3PO3 बनेगा, H3PO3 बनेगा, बिकॉज फॉस्फोरस तो ऑक्सीजन था और हाइड्रोजन था भाई, क्या चीज़ बन सकती है, H3PO3, और क्या बनना, और कुछ भी नहीं बनना, बस भाई सिंपल सी चीज़, इधर भी भाई OH की जगह पे क्या लग जाएगा, C2H5Cl, और इधर क्या बन जाएगा, PCl ने क्या दिया, ये दे दिया, Cl दे दिया इसको, तो ये वाली चीज़ बन गई, और आपने क्या बनना, दोबारा से वही चीज़ H3PO3, सिंपल सी चीज़, फॉस्फोरस एसिड भाई, चीज़ें पता लगी कि नहीं लगी पता, जल्दी से भाई रिप्लाई कर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि चीज़ें पता लगी कि नहीं पता लगी भाई, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि चीज़ें पता लगी कि नहीं लगी पता, अगर पता लगी तो बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो बस ये वाली चीज़ हो गई, इतनी इतनी कहानी इसकी याद रखनी है आप लोगों ने। तो अभी देखिए इतनी दो तीन रिएक्शंस है, वो थोड़ी बहुत प्रेपरेशन और उसका स्ट्रक्चर। तो अभी देखिए PCl5, इसकी तो मैंने प्रेपरेशन तो आपको बता ही दी, प्रेपरेशन कैसे होती है, जब आप लोग क्या करते हो P4 को क्या करते हो एक्सेस ऑफ Cl2 में डालते हो तो आपका क्या बन जाता है PCl5। तो ये वाली रिएक्शन हो गई, बैलेंसिंग वगैरह आपने खुद कर लेनी है, ठीक है ना। अगर दो इसका जैसे आपने उधर उधर करा था रिएक्शन किसके साथ कर ली थी, SO
Cl2, इसको क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड, उसको क्या बोलते थे आप, थायोनिल क्लोराइड। अगर इधर क्या लगा दूं मैं, 2 लगा दूं, तो इसको बोलते हो क्या, सल्फ्यूरल। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, सल्फ्यूरल, SulFU, सल्फ्यूराइल, सल्फ्यूराइल क्लोराइड, सल्फ्यूराइल क्लोराइड, क्या होता है इसका नाम, सल्फ्यूराइल क्लोराइड, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। तो अभी देखिए P4 है और Cl है, तो इधर क्या बन जाएगा, इधर सिंपल सी चीज़ बन जाएगी, तो बनना तो आपको PCl5 तो बनाना ही है भाई। उधर थायोनिल क्लोराइड था, थायोनिल, थायो मीन्स सल्फर, उनाइल मीन्स ऑक्सीजन, क्लोराइड मीन्स Cl, और सल्फ्यूरल SO2 जब होता है तो इसको आप बोलते हो सल्फ्यूरल क्लोराइड, सल्फ्यूरल क्लोराइड, PCl5 बन गया। और आपको पता है SO2, SO2 तो प्रतीक्षा कर रहा होता है निकलने की, तो इसकी प्रतीक्षा पूरी हो गई, और गैस, जब भी गैस को मौका मिले तो वो क्या हो जाए, उड़ जाती है, तो ये क्या होगी, गैस आपकी उड़ गई भाई। गैस का हमेशा मकसद ही यही रहता है कि वो फटाफट वो निकले और उड़ जाए भाई, बस आज़ादी चाहती है ना, आज़ादी, गैस घूमना चाहती है पूरे, जैसे पंक्षी होता है ना, पंक्षी होते हैं हवा में घूमना चाहता है पूरा ऊपर नीचे, ठीक है ना, वैसे ही गैस, गैस जो फटाफट, उसको बस समय लगना चाहिए भाई, फटाफट क्या हो जाती है वो, उड़ने लग पड़ती है। तो बस ये वाली चीज़ हो गई। देन आपको मैं बताता हूँ इसकी प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज इसमें क्या है, ये एक वाइट कलर का पाउडर होता है, येलोइश वाइट, येलोइश वाइट कलर का पाउडर होता है, ठीक है ना, येलोइश वाइट कलर का क्या होता है, एक पाउडर होता है क्या, PCl5, एक येलोइश वाइट कलर का पाउडर होता है। और अभी देखिए सिंपल सी कहानी है, PCl5 को जब आप लोग पानी में डालोगे तो क्या बन जाएगा, PCl5 को जब आप लोग पानी में डालोगे तब आपका क्या बन जाएगा, P हो गया ना, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस हो गया। तो अभी देखिए इधर से क्या बन जाता है, POCl3, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, POCl3, और इधर से क्या निकल जाएगा, HCl, ये वाली चीज़ है। देखिए P हो गया ना, और इधर ऑक्सीजन है और इधर Cl है, तो इधर से ये वाली चीज़ बन जाएगी POCl3 और HCl, H इधर होगा और Cl इधर से मिल जाएगा, तो HCl इधर से निकल जाएगा। तो ये वाली प्लीज़ याद रख लीजिए, इसको इसको चीज़ पता क्या बोलते हैं, इसको नाम बोलते हैं आप फॉस्फोरस, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, POCl3 को आप क्या बोलते हो, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बोलते हो इसको, फॉस्फोरस को क्या बोलते हो, POCl3 को बोलते हो आप ऑक्सीक्लोराइड। तो अभी देखिए दोबारा से, अभी POCl3 को अगर आप पानी में डाल दो ना, तो क्या बन जाता है आपका, आपका बन जाता है, देखिए इधर फॉस्फोरस है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये चीज़ तो बननी है, H3PO4 बनना है इधर, और क्या बन जाना है आपका, HCl, H है ना इधर, और Cl पड़ा हुआ है, तो HCl इधर से निकल जाएगा। तो अभी देखिए इधर ये वाली चीज़ आपके PCl5 से, PCl5 से आपका H3PO4 ही क्यों नहीं, क्यों निकला, बिकॉज इधर फॉस्फोरस का ऑक्सीजन स्टेट कितना था, +5 था, इधर इधर कितना है, इधर कितना है, हाइड्रोजन का नंबर कितना, 3, और X प्लस -2 × 4 कितना हो गया, -8, -8 लिख दो इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू -5 इज इक्वल टू 0, और X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +5। देखिए जब आपने इसको पानी में डाला, स्टेप 2 हुए, पहले ऑक्सीक्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बना, बट उसके बाद क्या बन गया आपका, फेवरेट फॉस्फोरिक एसिड बन गया, और HCl आपका निकल गया, जैसे पिछली रिएक्शन हमने पढ़ी, PCl3 था और आपने उधर से फॉस्फोरस एसिड बना था, और इसको आप बोलते हो फॉस्फोरिक एसिड। इधर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है फॉस्फोरस के ऊपर, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। इनके आपने डिटेल में पढ़ना है आप लोगों को, बट अभी अभी के लिए सिर्फ इतनी ही चीज़ याद कर लीजिए, ओके। अभी देखिए जब आप लोग PCl5 को क्या करते हो, ये थोड़ा अनस्टेबल है, जब आप लोग इसको हीट करते हो तो ये किस में टूट जाता है, PCl3, और क्लोरीन गैस क्या होती है भाई, क्लोरीन गैस है भाई, मैंने क्या बोला, गैस आज़ादी चाहती है, तो गैस फटाफट क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी, गैस जब उड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा भाई, बस आपका बच गया क्या, PCl3, जो कि क्या है, एक ऑयली टाइप लिक्विड है, ऑयली टाइप लिक्विड है ना, ऑयल टाइप, ऑयली लिक्विड है, और PCl5 क्या है, एक येलोइश वाइट पाउडर का सॉलिड है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़, ये वाली रिएक्शन याद कर लीजिए भाई, सिंपल सी रिएक्शन, PCl5 क्या होता है, टूट जाता है किसमें, PCl3 और Cl2 में। तो अभी देखिए दोबारा से रिएक्शन वही वाली, ये वाली, ये क्या हो गया भाई, जल्दी से बता दीजिए ये क्या चीज़ है, ऊपर वाली क्या है, ये वाली इसका नाम बताइए, फिर मैं नीचे नीचे वाली चीज़ लिखता हूँ, CH3 CH2OH, और इधर भी क्या, PCl5 और PCl5। अरे भाई ये क्या है, ये तो आपकी फेवरेट क्या है भाई, दारू है, फेवरेट है भाई, बिकॉज हर एक जगह पे यही यूज़ होती है दारू, ठीक है ना, ये आपकी फेवरेट है कि नहीं है भाई, बता दीजिए दारू किस किस की फेवरेट है भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि
दारू किस किस की फेवरेट है और विनेगर किस किस का फेवरेट है, विनेगर किस किस स्टूडेंट का फेवरेट है। इसका स्टूडेंट का फेवरेट होगा मतलब वो भाई बहुत ही ज़्यादा शेफ़ होगा, शेफ़ होगा, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें बनाएगा, मेरे को भी चीज़ें खिला देना, ठीक है ना, जब समय लगेगा। तो ये वाली चीज़ हो गई। देन देखिए C2H5, तो इधर क्या हो जाएगा, C2H5, इधर OH लगा ना, इधर भी वही चीज़ C2H5 Cl। तो देखिए जब PCl5 टूटता है ना, तो सबसे पहले आपको पता है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनता है, डायरेक्टली वो नहीं बन जाता है, तो इधर भी क्या बन गया आपका PoCl3+HCl। उधर आपका सिर्फ क्या बना था, उधर आपका क्या बना था, डायरेक्टली जब आप लोगों ने क्या करा था, उसके एसिड्स के साथ रिएक्शन करवाई थी, तब आप लोगों का क्या बन गया था, डायरेक्टली जब आपने एसिड के साथ रिएक्शन करवाई थी तब आप लोगों का क्या बना था भाई, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। पीछे आपका क्या बना था, फॉस्फोरिक एसिड बन गया था, फॉस्फोरस एसिड बन गया था। बट इधर फॉस्फोरस एसिड नहीं बना, POCl3 बना और HCl बना, बिकॉज फर्स्ट स्टेप में यही निकलता है, POCl3 निकलता है, बाद में निकलता है, तो ये बस फर्स्ट स्टेप में ही काम बन जाता है आपका। तो ये वाली चीज़ इधर क्या बन जाएगा, CH3 COCl, और इधर भी क्या, POCl3+HCl भाई। ये वाली चीज़ ठीक है ना, आसान सी चीज़ है भाई, ज़्यादा कुछ है ही नहीं, रॉकेट साइंस है ही नहीं भाई, बहुत आसान चीज़ है, बस रिएक्शंस को आपको याद करना ही पड़ेगा, रिएक्शंस बहुत ज़्यादा, बिकॉज बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाना बाद में, बहुत सारी रिएक्शंस हो जानी। देन आप लोगों को एक चीज़ बता दी मैंने कि देखिए एक क्या होता है, सिल्वर होता है, ये सिल्वर वगैरह और टिन के साथ भी रिएक्शन करता है PCl5। तो इधर क्या बन जाएगा, PCl5। तो भाई इनका मेन मकसद यही होता है, क्लोराइड बन जाए, क्लोराइड बन जाए। तो इधर से क्या बन जाएगा, AgCl, और इधर से क्या, SnCl4, और पीछे निकल क्या जाएगा, PCl3 निकल जाएगा, और इधर क्या निकल जाएगा, PCl3। याद रख लेना इसके, ठीक है ना, सिल्वर और टिन के साथ भी ये रिएक्शन करता है, सिल्वर और टिन के साथ भी रिएक्शन करता है PCl5, और क्या बन जाता है, Ag सिल्वर का क्लोराइड और स्टेनस का क्लोराइड। क्लोराइड क्यों बना, बिकॉज इसके पास बहुत सारे क्लोरीन है, बहुत सारे क्लोरीन है, तो एक आधे भाई इनको दे दिए, ये भी खुश कर दिया भाई, इसके जिसके पास बहुत सारी चीज़ें हों, जो चीज़ें हो तो वो दूसरों को भी देना शेयर करता है ना, जैसे आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो आप भी शेयरिंग करना चाहते हो ना किसी के साथ, हाँ भाई थोड़े बहुत इसको मिल जाए, थोड़ी बहुत इसकी भलाई हो जाए, बट पैसे कोई देता तो है नहीं, ये तो बहुत ही अटपटी एग्जाम्पल हो गई, बहुत ही बेकार वाली एग्जाम्पल हो गई, पैसे तो कौन देता है भाई आजकल, ठीक है ना। ये वाली चीज़ हो गई PCl5, इसके पास बहुत सारे Cl पड़े हैं बट इसने दे दिए, ये बेचारा दानवीर है, ठीक है ना, करण है, ये करण है, तो इसने क्या कर दिया, इसको Cl दे दिए, तो बचे क्या इसके पास, ओनली बचे PCl3, इसके पास क्या, PCl3। तो बस ये वाली चीज़ है, तो बहुत ही आसान सी चीज़ है, तो बस यही वाली चीज़ें आप लोगों को क्लियर करनी है, और बस अब इसका स्ट्रक्चर रह गया, स्ट्रक्चर क्या है भाई इसका PCl5 का, मेरे को कौन बताएगा इसका स्ट्रक्चर, जिस बंदे ने इसकी शेप बता दी मेरे को भाई, वो बंदा बहुत ही बढ़िया है, मैं उसको बता देता हूँ कि बेटा आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, और आपका आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो जाओगे भाई, जल्दी से भाई शेप बता दीजिए इसकी, बिकॉज मैंने पहले ही वो चीज़ें क्लियर करवा दी, बिकॉज शेप्स बार बार आपको वो कंसेप्ट बताना नहीं पड़े, तो एक बार ही कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और जितने भी मॉलिक्यूल्स की शेप होंगी वो आपने अच्छे से कर लिए, तभी करवाया था मैंने। देखिए अभी PCl5 की शेप बताइए, जल्दी से भाई बता लीजिए शेप, जल्दी से भाई शेप बता दीजिए इसकी, PCl5 की शेप बता दीजिए जल्दी से। जिस स्टूडेंट ने इसकी शेप बोली होगी क्या, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो बेटा आप लोग बहुत बढ़िया हो, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, तो ऐसी ही पढ़ाई कंटिन्यू करिए, तो इसकी शेप वही होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो क्यों होती है, PCl5 है, वैलेंस वो क्या है, सेंट्रल मेटल आइटम क्या है, फॉस्फोरस है, सेंट्रल मेटल आइटम क्या है, फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, तो इसने क्या बोलते हैं, 5 के 5 बॉन्ड बना दिए, तो बॉन्ड पेयर हो गए, 5 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कितना, 0 लोन पेयर, तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और लोन पेयर है ही नहीं, जो उसकी ज्योमेट्री होगी वही क्या हो जाएगी, इसकी शेप। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं क्या, PCl मैंने इधर डाल दिए, PCl Cl, और ऊपर क्या, ऊपर भी Cl और नीचे भी क्या Cl। तो ये वाला स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, देखिए ये वाला इधर ट्राइंगल जैसा बन रहा है और ऊपर की तरह ये होता है, ये आप समझिए, देखिए ये आपका जो फ़ोन की स्क्रीन है इधर रखा है, और एक ऊपर की तरफ हाथ है, एक नीचे की तरफ हाथ है, ये नीचे की तरफ हाथ, ये ऊपर की तरफ, और ये जो आपका ट्राइंगल बन रहा है ना, ये फ़ोन की स्क्रीन, ये आपका फ़ोन है, ये आपकी फ़ोन की स्क्रीन है, और ये ऊपर की तरफ एक क्लोरीन लगा हुआ है, एक नीचे की तरफ क्लोरीन लगा हुआ है। तो ये वाली चीज़ आप याद रख लीजिए कि अभी देखिए इसमें क्या चीज़ है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप तो है इसकी, बट ये है कि इसमें ओनली लिक्विड और गैशियस स्टेट में, जब क्या होता है PCl5 क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। और बेटा इसको स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ इसको भाई अच्छे से समझिए। इधर क्या है,
ये टीवीपी, इसकी शेप है कौन से, लिक्विड और गैसियस स्टेट में। PCl5 की ट्राइगोनल बाईपिरामिडल शेप है कौन से, लिक्विड और गैसियस स्टेट में। बट इसकी क्या, इसकी ये शेप है। और इधर देखिए दो किस्म के बॉन्ड्स हैं, और ये होता है ये बॉन्ड, ये तीन बॉन्ड दोबारा से दिखाते हैं, ठीक है ना। पी हो गया, ये हो गया Cl, ये हो गया Cl, और ये हो गया Cl। दो किस्म के बॉन्ड हैं देखिए इसके, तीन तो ये वाले बॉन्ड हैं जो ये वाली पोजीशन पे हैं, जो ट्रायंगल जैसे बना रहे हैं। इसको आप बोलते हो, जो ट्रायंगल बना रहे हैं ना, इसको आप बोलते हो इक्विटोरियल बॉन्ड्स, इक्विटोरियल बॉन्ड्स। और जो ये वाले हैं ऊपर और नीचे की तरफ, इसको आप बोलते हो एक्जियल बॉन्ड्स। इसको आप क्या बोलते हो, एक्जियल बॉन्ड्स। एक्सिस, एक्सिस होती है ना, जैसे एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ये होती है, वाई एक्सिस ये होती है, फिर जेड एक्सिस आप इधर ड्रॉ करते हो, एक्स वाई जेड, ऐसे ही भाई आप इसको समझ लीजिए, कोई एक्सिस है तभी आपने इसको क्या डाल नाम दे दिया, एक्जियल, एक्जियल। अभी देखिए इधर क्या चीज़ है, अभी देखिए क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सात। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, और एक बॉन्ड बनाने के काम, इधर भी कितने, 1 2 3 4 5 6, और एक बॉन्ड बनाने के काम, इधर भी 6, और एक बॉन्ड बनाने के काम। हर एक क्लोरीन के ऊपर आपको क्या होंगे, लोन पेयर होंगे। हर एक इधर क्या होंगे, हर एक जैसे क्लोरीन के ऊपर क्या होंगे, लोन पेयर होंगे। हर एक क्लोरीन के ऊपर कितने लोन पेयर होंगे, तीन लोन पेयर होंगे, तीन लोन पेयर होंगे। और आपको पता है लोन पेयर, लोन पेयर क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अभी देखिए इधर जो एंगल होगा ना, वो होता जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है इनका, होता है 120 डिग्री, 120 डिग्री एंगल होता है। देखिए चीज़ समझने की कोशिश करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो ये जो इक्विटोरियल बॉन्ड्स हैं, ये जो तीन बॉन्ड्स हैं, एक ये वाला बॉन्ड, एक ये वाला बॉन्ड, एक ये वाला बॉन्ड, जो तीन बॉन्ड्स बन रहे हैं इसको आप बोलते हैं इक्विटोरियल। जो एक्सिस में बन रहा है उसको बोलते हैं एक्जियल बॉन्ड्स। जो इक्विटोरियल बॉन्ड्स हैं वो एक दूसरे के साथ एंगल कितना बना रहे हैं, 120 डिग्री। और ये वाला एंगल कितना बना रहे हैं, जो देखिए ऊपर एक्सिस है और नीचे इक्वेटर है। तो अभी देखिए इसको इमेजिन करिए, ये फ़ोन है और एक आपने ऊपर वो खड़ी कर दी है, क्लोरीन ऊपर खड़ी कर दी है, तो इधर इसके साथ कितना डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। इधर भी क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा, इधर भी क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल, नीचे भी क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल इस क्लोरीन के साथ। तो अभी देखिए ये क्लोरीन है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी क्या होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अभी देखिए ज़्यादा ज़्यादा पास कौन सा हुआ, 90 डिग्री वाला हुआ कि 120 डिग्री हुआ क्लोरीन वाला पास, वही जल्दी से बताइए कि ज़्यादा पास कौन सा हुआ, 90 डिग्री वाला हुआ कि 120 डिग्री वाला। ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री वाला ज़्यादा पास होगा। तो भाई जो इसके लोन पेयर हैं वो इसके, जो इसके लोन पेयर से क्या दूर जाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज लोन पेयर क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे मैक्सिमम दूरी पे जाना चाहते हैं। तो जब ये वाला बॉन्ड है ये दूरी पे जाने जाएगा तो ये और नीचे हो जाएगा, और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और ज़्यादा ये जो एक्जियल बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द लोन पेयर रिपल्शन। बिकॉज इधर क्या, लोन पेयर इधर अच्छे से रिपेल होंगे, बिकॉज इधर क्या 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और इधर जो इक्वेटोरियल में इधर कितने बन रहे हैं, 120 डिग्री का। तो ये थोड़ा क्या ज़्यादा दूर है स्पेस में, क्या है वो ज़्यादा दूर है, दैट्स वाई ये क्या हो गया, इधर कितना डिग्री का एंगल हुआ, 120 डिग्री का एंगल हुआ। तो ये वाली चीज़, और इधर कितने डिग्री का एंगल हुआ आपका, 90 डिग्री का एंगल हुआ। 90 डिग्री का एंगल क्यों हुआ, बिकॉज ये वाला देखिए ये एक्सिस थी ना, तो ये इक्वेटोरियल पोजिशन थी, और ये ऊपर वाला 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, तो इसके लोन पेयर थे और इसके भी लोन पेयर थे, उन्होंने एक दूसरे को रिपेल करा, तो ये जो एक्जियल बॉन्ड थे ये एक दूसरे के दूर चले गए। जब वो दूर चले गए तो आपके बॉन्ड लेंथ क्या होगी, एक्जियल जो एक्जियल बॉन्ड्स थे, जो एक्जियल बॉन्ड्स थे वो क्या हो गए, लंबे हो गए, एक्जियल बॉन्ड्स लॉन्गर देन इक्विटोरियल बॉन्ड्स। तो ये वाली चीज़ याद रख लीजिए, मतलब सभी की बराबर बॉन्ड लेंथ नहीं होती है, एक्जियल वाले क्या होते हैं, बड़े होते हैं कंपैरेटिवली इक्विटोरियल से। तो ये वाली चीज़ बेटा आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए भाई, अच्छे से याद कर लीजिए। अभी देखिए बट सॉलिड स्टेट में इसका स्ट्रक्चर कुछ और होता है, सॉलिड स्टेट में पता क्या होता है, सॉलिड स्टेट में आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के पास पास होते हैं, पास पास होते हैं। गैसेस में देखिए एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा। लिक्विड में क्या होंगे, एक इधर 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 इधर, मतलब थोड़े पास होंगे, मीडियम, ठीक है ना। सॉलिड स्टेट में क्या होंगे, एक दूसरे के बिल्कुल पास होंगे। तो ऐसे ही इमेजिन कर लीजिए भाई, PCl5 है, दूसरा भी क्या है, PCl5 है, तो क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा आपका स्ट्रक्चर कैसे, पी, जैसे इधर क्या बन जाएगा, इसको आप समझिए, P2Cl10, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा ना, डाइमर टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा, बिकॉज मॉलिक्यूल्स इसने इसके पास होना है, बहुत पास होना है, ये देखिए इतने इतना पास होगा, तो ये एक दूसरे के साथ ये जुड़ने की कोशिश करते हैं, इनके बीच में इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, इधर आयंस बन जाते हैं। इधर आयंस कैसे बन जाते हैं, जैसे PCl
इधर क्या बन जाता है फोर, जैसे डाइमर बन गया ना, तो इधर बन जाए PCl4 और PCl6 बना था ना, जैसे PCl5 हुआ और PCl5 क्या हो गया जुड़ा, तो क्या बन गया P4 सॉरी P2Cl10। तो देखिए P2 हैं और C कितने हो गए 10 हो गए, 4 ये और 6 कितने हो गए 10 हो गए, 10 हो गए ना। तो अभी देखिए ऐसा ही स्ट्रक्चर बन गया, इसमें आयन्स बन गए पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स, जैसे उधर बनते हैं ना Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये भी क्या सॉलिड है ना, दैट्स वाई इधर आयन्स बनते हैं, इधर आयनिक बॉन्ड बन गया, इधर क्या हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये वाली चीज़ इधर बन गई। इधर पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बना, इसने क्या करा भाई, जैसे PCl5 था उसने अगर एक Cl लूज़ कर दिया, इसने अगर एक Cl नेगेटिव अगर लूज़ कर दिया और दूसरे ने गेन कर लिया, देखिए इधर क्या था PCl5 था तो इससे माइनस Cl कर दो तो क्या हो जाएगा, आपको पता है एक एक चार्ज क्या हो जाएगा PCl4 पॉजिटिव हो जाना, तो PCl जो इसने लूज़ करा वो अगर गेन कर दे PCl5 अगर गेन कर ले तो क्या हो जाएगा PCl6 हो जाएगा और क्या हो जाएगा माइनस। तो अभी देखिए आपको पता है जैसे Na पॉजिटिव और Cl में क्या होता था, Na लूज़ करता था और Cl क्या करता था गेन करता था, वैसे ही इधर बन गया PCl4 पॉजिटिव और PCl6 नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव आयन्स बन गए। तो बस ये वाला इसका आयनिक फॉर्म में सॉलिड स्टेट में स्ट्रक्चर होता है। मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आपने शेप्स बतानी है, ठीक है ना, PCl4 पॉजिटिव और PCl6 नेगेटिव की इसकी शेप बताइए और इसकी शेप दिखाइए लगा के वेस्पर थ्योरी लगा के इसकी, मेरे को जल्दी से फटाफट आप लोगों ने मेरे को इसकी शेप्स बतानी है भाई दोनों की, ठीक है ना, दोनों की आप लोगों ने मेरे को शेप बतानी है। तो ओके मेरे को एक चीज़ बताइए कि सारी की सारी चीज़ें समझ आई कि नहीं आई, और लास्ट सर्वाइवल्स कौन कौन से, लास्ट तक जीवित कौन रहा, ठीक है ना, लास्ट तक इतने लेक्चर को कौन कौन देखता रहा भाई, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए भाई, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। ओके थैंक यू।